देखिए दोस्तों, हम लोग अभी गोलाघाट पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अलगड्डा, वहाँ से एक दुकान पे जा रहा है पसवाड़ के। पसवाड़ आने के लिए मम्मी भी बैठी हैं, अभी बाइक से आ रहा है। चलिए आपको गोमती नदी दिखाते हैं। ये देखिए हमारी गोमती नदी है जो सुल्तानपुर से निकल, सुल्तानपुर में बहुत अच्छे से आई है। अभी गर्मी का मौसम है, तभी सूखी है, नहीं तो इधर भी है। पहले तो ऐसे खुली थी, अभी यूपी सरकार ने इतना बढ़िया इसको बनवा दिया है, पर जाना ही नहीं आ रहा है। साफ सुथरा रोड है, अच्छा ट्रैफिक भी है। बहुजन समाज पार्टी की देखते हैं भीड़ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, कितना बदलाव हो चुका है। कहीं भी एक प्लास्टिक नहीं दिख रही है योगी सरकार में। कूड़ा धाम दिख रहा है रोड पे। रोड इतना फर्स्ट क्लास बनवा दिए हैं कि कोई भीड़ नहीं, कोई कहीं पार्क नहीं कर सकता है। पहले तो ऐसे था कि सारे लोग जहां पाते थे वहीं पार्क कर देते थे, चाहे विक्रम हो, चाहे बाइक हो, कुछ भी हो। लेकिन अब देखिए योगी सरकार में सड़कें कितनी अच्छी हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। इधर से जैसे सारों में बना रहता है, एक तरफ से आप जा सकते हो, इधर से आप जाइए, लाइने से आप आ रहे हो, तो बहुत अच्छी सड़क बनवा दी है। अब सारी व्यवस्था बहुत अच्छी करवा दी है योगी सरकार ने। बहुत अच्छा लग रहा है सुल्तानपुर में ऐसी सड़कों को देख कर। यकीन नहीं होता कि बाबा की सरकार में ऐसा राज आ गया है। ये देखिए यहाँ केंद्रीय कार्यालय भी बना है, जहाँ पे हमारे योगी जी बराबर आते रहते हैं और जायजा लेते रहते हैं सुल्तानपुर शहर का। ऐसे फल वाले कैसे सड़कों पे लगा लेते थे, कितनी जगह हो गई है, कहीं कोई झमेला नहीं हो रहा है। बकायदा ट्रैफिक पुलिस लगी है यहाँ पे। सभी का वो चेक किया जाता है कि कौन हेलमेट पहनते हैं, कौन नहीं है। नहीं तो ऐसे पहले सड़कों पे ऐसे घूमते दिखते रहते थे, इसीलिए अब यहाँ भी जरूरी हो गया है कि सब सारे लोग हेलमेट पहन के चल रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी कैसे बदल गई है सुल्तानपुर। हाँ भैया, सुल्तानपुर की देखिए दोस्तों पूरी सूरत बदल गई है। इतना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शहर में कहीं आ गए हैं। और पहले तो सुल्तानपुर लगता था जैसे कूड़ा घर। देखिए आप तो हम लोग दोस्तों बस अड्डा पहुँच चुके हैं और बस अड्डा भी एकदम से बदल चुका है। आप लोगों को दिखाते हैं, बैक कैमरा है ये जो पीछे दिख रहा है स्टेशन की तरह, वही बस अड्डा है। बस स्टॉप कर लीजिए, पहले ऐसे इतना गंद आती थी यहाँ से टॉयलेट की, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा बना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे